तो भाभी जी आप कहाँ जा रहे हैं? देख सकते हैं किस तरह से तैयार है मारने के लिए। ओह तेरी, इसने कर दिया साउंड। तो डर से मुझे यहाँ पर डर फील होता हुआ। और ये बैल का मालिक, और तेरी ये देखिए, क्या पता पीछे से तो नहीं भागेगा। भागना मत मेरे दोस्त, ये आ गया है। शायद इसको मेरे पर दया आ गई है, पर ये अपने रास्ते निकल चुका है धीरे धीरे कदमों से। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बैल घर्राते हुए, क्योंकि इन बेचारों पर भी आजकल आफत आ रही है, क्योंकि ये दिन भर खेतों में हल लगाते हैं, तो इनको भी अपना आक्रोश एवं गुस्सा साफ झलकता हुआ। ये देखिए गोबर को किस तरह से फेंक रहे हैं ये। ये मेरी भाभी, और यहाँ से गोबर उठाया जा रहा है, और ये सोल्टी ये सोल्टी खाली कर दिया इन्होंने, और ये बीज को बोते हुए। तो एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत है एवं अभिनंदन। सो गाइस, सबसे पहले आज का वीडियो का ब्लॉग्स शुरू हो रहा है मेरे पुराने घर से। तो ये मेरे पुराना घर आप देख सकते हैं, यहाँ पर घास सुखाने को रखा हुआ है, और ये मिट्टी से किस तरह से लेपा हुआ है आप देख सकते हैं। पुराने ज़माने का घर यही है, इसी तरह से इन घरों में लोग रहते थे, यहीं पर जीवन यापन किया था। सो गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा हम अपने गाँव के दिनचर्या को दिखाने का प्रयास किया गया। सो अभी का टाइम हो रहा है ओनली यानी करेक्ट 7 बजे, क्योंकि 7 बजे आपको देख सकते हैं उधर धूप की वजह से दिख नहीं रहा है। और ये आप देख सकते हैं जो गांव के पीछे जंगल वाला एरिया है, यानी वहां पर धूप आ चुकी है आप देख सकते हैं, और अभी गांव में धूप नहीं पड़ी हुई है। तो देखते हैं कितने देर में गांव में धूप आती है। तो चलिए आप भी हमारे साथ, आज का पूरा दिनचर्या आपको दिखाते हैं हमारे पहाड़ में क्या क्या दिन में काम काज होता है। सो लेट्स एंजॉय। और ये मेरे साथ आ चुका है रजत। तो रजत भाई, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सुबह सुबह कहाँ ठहर रहे हो? इधर ही। अच्छा, तो कहीं काम, कुछ काम पर जा रहे हो क्या? घर जा रहे हैं। हाँ, तो ये भी बिजी है अपने अपने लाइफ में, हर कोई बिजी है। तो चलिए आज, तो गाइस ये गोबर का सोल्टा भर दिया है, और अब हम जाएंगे गोबर डालने। और करना भी क्या है, आप दिनचर्या इसी में गुजारेंगे। ये हमारा पुराना घर अब खंडर हो चुका है, यहाँ कोई नहीं रहता है, और धूप आप देख सकते हैं उधर पहाड़ों में आ चुका है। गांव में कुछ देर में सो गाइस, आजकल इन्हीं खड़ी चढ़ाई को पार करके यहां पर गांव में कामकाज करना पड़ता है। आजकल सुबह सुबह घरों में सबसे पहले का काम यही है, उठो चाय पियो और गोबर ढोने जाओ। ये गोबर का सोटा आप पीछे देख सकते हैं, भारी भारी हो रहा है, और यहाँ पर चढ़ाई होने की वजह से बहुत थकान फील हो रहा है। और ज़्यादा तो क्या बोलूँ, आप भी आइए पहाड़ में काम करने इसी तरह के। और ये मम्मी आ रही है, और धूप भी आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं लोगों के आलू के खेत, पहाड़ में हर चीज़ के खेत मौजूद मिलेंगे आपको। और ये गांव का व्यूज़, और ऊपर आप देख सकते हैं वो वहाँ पे छोटे बच्चे, वो भी गोबर ढोने जा रहे हैं, गांव के ही हैं। पूरा रास्ता किस तरह से, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से नीचे से भी है, वहाँ से पूरा चढ़ाई 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 करके यहाँ पे आना पड़ता है, जहाँ पर मैं रेस्ट के लिए रुका हुआ हूँ। और यहाँ से भी बहुत चढ़ाई है, तो थकान तो होगी, इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर सोल्टी को रोकना पड़ा, यानी स्टे इसे रुकाना पड़ा, तो सांसें थम सी जाती है यहाँ पर। बहुत टफ है पहाड़ी वर्क,
मतलब मज़ा भी आता है ना, ऐसी कोई नहीं, क्रिटिकल प्रॉब्लम भी नहीं है। सो आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे जो पहली बार चैनल पर आया। सब्सक्राइब करें और लाइक करें और देखते रहे मुझे और मेरे पहाड़। आज का दिन शरीर के कार्य काम काज में, जैसे मैं गोबर डोल रहा हूँ तो यहाँ पर यूकी हुए सो, हाँ तो जो को खोला जा रहा है और इसके बाद इसको लट्ठी की मदद या बैल की मदद से कूटा जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहाड़ में काम काज में हर कोई बिजी। तो ये मेरी दूसरी भाभी और ये भी जो को बाहर निकाल रही है, ये मेरा सोल्टा गोबर का। तो ये देख सकते हैं, पता है कहाँ से ला रही है भाभी, अंदर के गोदाम रखा है क्या? तो ये भाभी जी के घर के अंदर यहाँ से भाभी जी निकाल रही हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरा खो बोलते ना हम पहाड़ में इसे खो, तो यहाँ पर फैला रखा है। तो ये भाभी ला गई है बाहर और ये देख सकते हैं इन्होंने नीचे पर कुछ बिछाया हुआ है और ताकि इसमें जो दाने दाने हो तब वो बर्बाद ना हो, इसीलिए इसकी मदद से यहाँ पर इसे कूटा जाएगा। तो चलते हैं हम अब आगे जहाँ पर हमारा मेन लक्ष्य है इस सोल्टी को रखने का। ये हमारे हरे भरे खेत यानी पीले पड़ गए हैं। मनोज भाई ये किसके खेत हैं? ना ना क्या है ये? सो गाइस गेहूं के खेत और धूप भी अब आ चुकी है यानी गांव के खेतों में, और अभी गांव में जाना बाकी क्योंकि हम ऊपरी हैं उच्च। तो गाइस इस बार मनोज का कहना है कि थोड़ा जो पैदावार है फसल उसकी बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि बारिश कुछ दिनों से धक्का पेल हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं हरे भरे खेत और उन खेतों के ऊपर से चमकता हुआ धूप क्या मनमोहक कर देता पहाड़ को और पहाड़ी खेत को। तो मेरे आगे से चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक में, ये पता नहीं क्या क्या ले जा रहा, हाथ पर एक कुड़ाल है इनका और एक फावड़ा जैसा। फावड़ा का क्या काम करोगे? तो ये खेत में जा रहे हैं मंडुआ बोने के लिए। सो गाइस आप भी देखते रहिए हमारे इस पहाड़ी खेत और पहाड़ को और हमें, तो कीप वॉचिंग। तो ये पूरा व्यूज जो बोलेंगे पहाड़ का और पहाड़ी खेत का, आप देख सकते हैं क्या कमल की तरह खिल चुका है खेत। तो गाइस ये मैं चल रहा हूँ बीच सुंदर खेतों के बीच और थकान का तो कोई क्या बताऊँ, कितनी थकान फील हो रही है। सो आप मेरी सांसों से समझ सकते हैं कि मैं कितना थक चुका हूँ। और आप लोग भी अगर जिन्होंने ये काम किया हुआ है इस तरह के पहाड़ी लाइफ में जीते हैं वो कमेंट करके बता दें, तो मैं भी देखूंगा मेरे कितने भाई बंद और कितने व्यूअर्स वो भी पहाड़ी लाइफ से इंजॉय और मेरी वीडियो को इंजॉय करते हैं। तो कमेंट ज़रूर दे दे भाई। तो ये खड़ी चढ़ाई पार करना बहुत ही मुश्किल है और पहाड़ में सीढ़ी नुमा खेत तो आपको पता ही होगा, आप हर सोशल नेटवर्क में वही चीज़ें देखते होंगे कि पहाड़ी नुमा खेत, पहाड़ी कार्य इत्यादि। तो आप समझ चुके होंगे कि कितना टफ है पहाड़ी कार्य। गाइस आप देख सकते हैं पहाड़ों में अब हल लगाने का काम शुरू हो चुका है। तो भाई आप हल लगाने आए हो? हल कहाँ है फिर? वो तो है बीच मेरा क्या? ओ तेरी, हाँ भाई ये भाई का हल है और ये भाई के बैल है और ये भाई की बहन है गोबर ढो रही है और ये भाई है हल लगाएगा। कितने देर में लगाएगा? तो गाइस ये भी काम में बिजी। तो ये आप पूरा खेत देख सकते हैं, लोग अपने अपने खेतों में हल लगा रहे हैं। पूरा गांव का दिनचर्या आप देख सकते हैं, पूरा खचाखच भरा हुआ है इधर का खेती बाड़ी मैदान और सभी लोग अपने अपने बैल और अपने अपने परिवार के साथ यहां पर हल लगाने का काम जोर शोरों पे। तो गाइस ये हमारा खेत और आखिरकार मैं पहुँच चुका हूँ खेत में। सो गाइस खेत में मेरा सोल्टा ये है और इस तरह से मम्मी गोबर को फैलाती हुई आप देख सकते हैं पूरा खेत एक सुंदर एरिया यानी, और ये गोबर के ढेर, गोबर ही एकमात्र ऐसा वो खाद्य है जिससे कि आपका अनाज एक गुना से दुगुना हो जाए यानी अच्छा उपज होता है, इसलिए गोबर को इतनी मेहनत से खेत में लाया जाता है और यहाँ पर फेंका जाता है यानी फुआ जाता है बोलते हैं पहाड़ में और बिछाया जाता है।
सो ताकि यहाँ का जो फसल हो वो अच्छा बने और थोड़ा जो अनाज है वो ज़्यादा हो। सो गाइज, इसी तरह के पहाड़ी लाइफ को लाइक करें और जो चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा इसी तरह के पहाड़ से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को देखें। आप देख सकते हैं हल दोनों के बीच में लग चुका है, तो कुछ ही देर में हल शुरू हो जाएगा, तो पहाड़ों में एक बार फिर से हल और खेतों का काम शुरू हो चुका है जोरों से। और यहाँ पर लोग देख सकते हैं ऊपरी खेत में लोगों के बैल लोग सभी पहुँच चुके हैं खेतों में। तो गाइस, पहाड़ों में खेती बाड़ी का काम जोर शोरों से दिखता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये खेत में लोग, ये लोग पूरा देख सकते हैं, लोग अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं काम काज में। और ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, पूरे लोग अपने अपने पहाड़ की जीवन में अस्त व्यस्त। यानी अब लोगों को अपना भरण पोषण के लिए कार्य तो करना होगा कुछ ना कुछ, तो अब लास्ट औपचारिकता यही है कि जो उनके खेती बाड़ी हैं उसी से जीवन यापन करें। आप देख सकते हैं कोई हल लगा रहा है, कोई खेत को और तक गोड़ रही है, तो बस इसी तरह के दिनचर्या पहाड़ में। सोल्टी खाली आप देख सकते हैं, अब मैं जा रहा हूँ घर के लिए, तो चाचा लोग हल लगा रहे हैं, सो हम जाएंगे अब घर के लिए क्योंकि घर में और कार्य। बीज को बोते हुए गोलू भाई हल लगाइए जरा। जयवीर भाई हल लगाते हुए, और ये रोबिन भाई भी हल लगाते हुए। सो गाइस, ये है मेरे गांव का खेत का और पहाड़ों का व्यूज। तो आपको कैसा लगा ये नेचर और कैसे लगे ये खेत, तो आपको तो कमेंट करके बताना चाहिए, बट कमेंट की संख्या बहुत कम ही रहती है मेरी वीडियोज़ में। एक दुख ये भी मुझे सताता रहता है कि शायद लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद क्यों नहीं करते हैं। सो गाइस, कमेंट तो दीजिए, मुझे खुशी होगी। मुझे ना हो तो इन पहाड़, इन खेत और इस जो दृश्य दिख रहा है इसको कमेंट कर दे बस। सो गाइस, अभी आप मुझे देख सकते हैं और मैं खुश नज़र आ रहा हूँ क्योंकि जो गोबर डालने का काम था वो मैंने कर दिया। यानी अभी सोल्टी आप देख सकते हैं एकदम खाली, चकाचक, कोई फीलिंग नहीं, कोई हार्ड वर्क नहीं। अभी तो डाउन को चलना पड़ रहा है और आसानी भी हो रही है, धूप भी चमकती हुई चेहरे में। सो गाइस, धूप की वजह से खेत और मुझे देख सकते हैं क्या चमक रहा है, लाइट मार रहा है सभी। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये लड़की आती हुई हल लेकर, जल्दी से जल्दी जाए। देगा कि ढेर, और इसमें गोबर और मिट्टी मिक्सअप। और इसी तरह से आप देख सकते हैं नाना, जो खौ बोलते हैं यहाँ पर, जो हमारा घर का आंगन है, तो इनके बीच पत्थरों के बीच जो दरार पड़ जाता है इनको भरने के लिए, ये गोबर और मिट्टी जो मिक्सअप पैर की मदद से गूंथा जाता है, तो ये यहाँ पर भरा जाता है ताकि यहाँ पर जो अनाज डाला जाए वो इन छेदों में ना घुस कर बर्बाद ना हो और इन्हीं पाटक की बचत हो जाती है। यानी एक अच्छा काम ये भी। तो गाइस, ये मेरा भाई सुनील। तो भाई आप चलिए, भाई आपकी दुकान में चलते हैं थोड़ा। तो भाई की दुकान यहाँ पे है, अगर आप लोगों को भी आना है कुछ लेने, तो भाई क्या क्या मौजूद है दुकान में, हर चीज़ के फ्लेवर आप देख सकते हैं मौजूद।
कुरकुरे से लेकर, ये हॉट सीट, ये छोटे बच्चों का रबड़ भी रखा हुआ है यहाँ पे, ये बल्ब, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स भी मौजूद। तो गाइस मैं काम काज करके घर आके नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। सो गाइस मूड फ्रेश करने के लिए नहाना जरूरी है और अपना स्वच्छता और अपना ध्यान रखना जरूरी है। तो गाइस अगर आपको हमारे इस टाइप जो वीडियो आपने देखा, अगर आपको इस टाइप की पहाड़ी लाइफ और पहाड़ी चीज़ और हमारी जो भी एक्टिविटी गतिविधियाँ हैं जो भी, अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आती है तो आप अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल पर एक घंटी होगा उसे भी बजा दें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और थोड़ा बहुत मुझे भी शेयर कर दीजिए, यानी मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और मनोज दृष्टि मोड़ी को शेयर कीजिए। तो ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट।